दोस्तों, पाइथन की लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक कैरेक्टर इनपुट करने के लिए कहा था, जिसमें हमने ये चेक किया था कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर वॉवल है या नहीं है। अब इस प्रोग्राम में बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी कहा था। हमारा कंडीशन जो हमने स्पेसिफाई किया था, उसमें ये था कि अगर AEIOU इसमें से कोई भी कैरेक्टर अगर हम इनपुट करते हैं, तो वो बोलता है कि वॉवल है। हमने सिर्फ स्मॉल वाले केस को कंसिडर किया था, कैपिटल को नहीं किया था, ठीक है। इन सब के अलावा अगर हम कोई भी इनपुट प्रोवाइड कर रहे थे, तो वो सीधा कह रहा था कि नॉट अ वॉवल। मैंने आपको कॉन्सोनेंट प्रिंट करने से मना किया था। रीजन इज, अगर हम सारे पार्ट को बाकी बचे हुए एल्स में डाल देते, तो अगर हम वन टाइप करते, स्टार टाइप करते, तो भी वो यही कहता कि ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है। दैट्स वाई मैसेज को हमने मॉडिफाई करके नॉट अ वॉवल किया। लेकिन आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग चेक करेंगे कि एक जो पर्टिकुलर कैरेक्टर इनपुट हुआ है, वो वॉवल है, कॉन्सोनेंट है, नंबर्स है, या फिर स्पेशल करेक्टर है। इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग बहुत डीप में समझने वाले हैं, और सिर्फ 4 से 5 लाइनों के अंदर आपका ये सारा काम हो जाएगा। एडवांस मेथड यूज करेंगे और बहुत ही ईजी वे में सॉल्व हो जाएगा। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो को चेक नहीं किया है, मेक श्योर आप जाएं और उस वीडियो से एक बार आप लॉजिक ले लें, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे ये पूरा वर्क करता है, वॉवल क्या है, और बाकी सारी चीजें मैंने उसमें डीप में बता रखी है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहां पर मैंने एक फाइल क्रिएट कर रखा है, जिसका नाम है vowel_consonant.py। पाइथन की फाइल है, नॉर्मल सी। अब सबसे पहला काम जो मुझे करना है, वो ये है कि मुझे यूजर से इनपुट लेना है। तो यहां पर मैंने लिखा इनपुट, और इनपुट के अंदर मेरा एक मैसेज है, एंटर अ कैरेक्टर, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, यूजर हमें एक कैरेक्टर प्रोवाइड करने वाला है। तो इसको मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, ch नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूं। ये सब मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया हुआ था। अब क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एडवांस मेथड को यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं यहां पे वॉवल से। इफ, अगर जो वो कैरेक्टर इनपुट कर रहा है वो इक्वल टू ए है। अब क्योंकि एक कैरेक्टर है, तो या तो आप इसको सिंगल कोट में एनक्लोज करें या फिर डबल कोट में करें, ठीक है। और इस बीच में आ जाएगा और। मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूं कि अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है, मेक श्योर जाके चेक करें, बहुत ही डीप में वहां पे वॉवल का कॉन्सेप्ट समझा रखा है मैंने, ठीक है। अगेन मैंने कंपेरिजन किया, इफ ch इक्वल्स टू, और इस बार मेरा कंपेरिजन होगा ई के साथ। तो मैं यहां से सिंपली कर रहा हूं इसको कॉपी, एंड मैंने 4-5 बार इसको पेस्ट कर दिया, तो हमारे पास हो गया है AEI, और यहां पे आ जाएगा O, और यहां पे आ जाएगा U। फिलहाल मैं कैपिटल को कंसीडर नहीं कर रहा, मैं थोड़ी देर में आपको कैपिटल का लॉजिक भी बताऊंगा। अब रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर इसमें से कोई एक भी कैरेक्टर इनपुट होता है, तो क्या प्रिंट करे, इट्स अ वॉवल। सिंपल है, मैं इसको सेव कर रहा हूं, और मैंने यहां पे मेरा टर्मिनल ओपन कर लिया। इस फाइल को मैं यहां पे सिंपली रन कर रहा हूं। तो यहां पे मैंने लिख दिया पाइथन vowel_consonant.py, ठीक है। तो यहां पे वो एक एरर जनरेट करके दे रहा है, वो ये रहा। कॉपी पेस्ट करते टाइम मैं यहां पे और लगाना भूल गया, तो यहां पे हम फटाफट से और लगा देते हैं, ठीक है। जूम कम कर दिया मैंने, यहां पे आते हैं, इस स्क्रीन को हम लोग क्लियर कर रहे हैं, एंड अगेन रन करके देखते हैं, तो स्टिल हमारे पास एरर है, सिंटेक्स एरर। और वो है हमारे पास यहां पे एक सिंगल कोट हमारा मिस हो गया, वो लगा करके मैंने सेव किया। फाइल को करते हैं क्लियर, और अगेन एक बार रन करते हैं, ठीक है। इस बार हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली चल चुका है। मैंने ए टाइप किया, कहता वॉवल, और सिमिलरली मैंने यू टाइप किया तो वॉवल। कैपिटल में अगर मैं ए प्रोवाइड करता हूं, तो कुछ भी आंसर नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कैपिटल के लिए भी यहां पे कुछ एक कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे, लेकिन दोबारा हम ये सारा लाइन नहीं लिखने वाले कि इफ ch इक्वल्स टू कैपिटल ए है, या फिर यहीं पे आपने कैपिटल की लाइनें बढ़ा दी, तो फिर वो और 5 कंपैरिजन हमारे बढ़ जाएंगे, और प्रोग्राम हमारा जितना ज्यादा कंपैरिजन पे काम करेगा, उतना ज्यादा स्लो हो जाता है। तो हम वो नहीं चाहते। हम क्या करेंगे, जो भी यूजर कैरेक्टर को इनपुट करेगा, चाहे वो स्मॉल में हो चाहे वो कैपिटल में हो, हमें नहीं पता वो स्मॉल ए प्रोवाइड करने वाला है या कैपिटल ए, लेकिन वो जो भी कैरेक्टर हमें प्रोवाइड करेगा, हम सिंपली उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर देंगे या फिर कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे, और उसके बाद अपने लॉजिक को हम बिल्ड कर लेंगे। मैंने यहां पे कंपैरिजन किसके साथ किया हुआ है, स्मॉल के साथ। अब अगर यूजर कैपिटल ए प्रोवाइड करता है, तो मैं क्या करूंगा, उस ए को स्मॉल ए में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या किया,
यहां पे मैंने लिखा सी एच, या फिर यहां पे मैंने लिखा सी एच डॉट लोअर। अब लोअर जो है ना पाइथन के अंदर इनबिल्ट फंक्शन है हमारे पास, तो मैंने इसका यूज किया। क्या करे, यहां पे अगर आपने कोई किसी और नाम से वेरिएबल रखा है तो इस जगह पे भी वही आएगा। मैंने कहा इस वेरिएबल के अंदर जो भी स्टोर हो रहा है विद द हेल्प ऑफ इनपुट मेथड, उसे क्या कर, उसे लोअर में कन्वर्ट कर दे। यानी कि कोई कैपिटल में जेड लिखा हुआ है तो स्मॉल में जेड कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब मैं नहीं जाता मैं इतने ज्यादा कंपैरिजन के ऊपर डील करूं, तो मैंने क्या किया, इसको किसी भी एक वेरिएबल में असाइन कर दिया, लेट्स से सी एच वन। लेकिन अगर आप इसको सी एच रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये वाली वैल्यू कन्वर्ट होके ओवरराइट हो जाएगी और आप डायरेक्ट सी एच पे काम कर सकते हैं, ठीक है, कैरेक्टर पे। अब मैंने मेरे फाइल को यहां पे दोबारा रन किया, कहता एंटर अ कैरेक्टर, मैंने प्रोवाइड किया स्मॉल है, कहता वॉवल है। मैंने दोबारा फाइल को रन किया, मैंने प्रोवाइड किया कैपिटल है, कहता वॉवल है। अब ये कैसे हुआ, यहां पे मैंने उसको कैपिटल प्रोवाइड किया लेकिन लोअर फंक्शन के कारण उसने क्या किया, इसको स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया और फिर स्मॉल ए का कंपैरिजन स्मॉल से किया गया। तो आप कोई भी यहां पे कैरेक्टर प्रोवाइड करे कैपिटल वाला, वो स्मॉल में उसको कंपैरिजन करेगा, ठीक है। मैंने कैपिटल यू प्रोवाइड किया, इस बार कैपिटल आई प्रोवाइड किया, कहता ये वॉवल है। देख पा रहे हो, यहां पर मैं करता हूं क्लियर। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट के। देखिए हमारे पास टोटल 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, अगर आप इस 5 को माइनस कर देते हैं एबीसीडी के अंदर से, तो यानी कि बी डी सी ऐसे करके जितने भी आएंगे ना हमारे पास ए ई आई ओ यू को छोड़ करके, वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट कहलाएंगे। अब अगर मैं यहां पे सारा कुछ एल्स में डाल दूं, एल्स, और अगर मैं यहां पे प्रिंट कर देता हूं कि इट्स अ कॉन्सोनेंट, तो ये गलत हो जाएगा। अगर मैं यहां पे लिखूं इट्स अ कॉन्सोनेंट तो हमारा पूरा प्रोग्राम एक्चुअली गलत हो जाएगा। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं, अगर मैं कहता हूं ए तो करेक्ट है, लेकिन अगर मैं इसको कहता हूं जेड तो कहता कॉन्सोनेंट है। इस केस में तो ठीक है, जेड जो है वो कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी सारे, लेकिन वो एबीसीडी का पार्ट होना चाहिए, अल्फाबेट का पार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप 1 2 3 4 बोल रहे हो, स्टार बोल रहे हो, आप उसको भी कंसिडर करोगे, नहीं। अगर मैं दोबारा रन करूं और इस बार मैंने 1 टाइप किया तो भी वो कॉन्सोनेंट कह रहा है, और अगर मैं इस बार उसको स्टार प्रोवाइड कर रहा हूं तो भी वो कॉन्सोनेंट कह रहा है। रीजन इज मैंने इसको कहा कि वॉवल को छोड़ के जितने बच गए वो कॉन्सोनेंट है, तो मेरा मैसेज ही गलत है ना। अब अगर मैं यहां पे नॉट अ वॉवल कह दूं तो फिर तो ये कल वाला ही पूरा प्रोग्राम बन जाएगा, है ना। तो अब अगर मैं यहां पे करने बैठ जाऊं, लेट अस से अगर मैं यहां पे एक कंडीशन लगाऊं एल्स इफ, तो मैंने यहां पे कहा एलिफ, और अगर मैं यहां पे दोबारा से कंपैरिजन करने बैठ जाऊं सी एच इक्वल्स टू इक्वल्स टू बी और सी एच इक्वल्स टू सी और सी एच इक्वल्स टू डी उसके बाद एफ, तो एक्चुअली मुझे 21 कंपैरिजन बनाने पड़ जाएंगे, ठीक है। कैपिटल की कोई जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी स्मॉल में कंसिडर हो चुका है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर आप टाइपिंग मिस्टेक कुछ कर दोगे तो, ठीक है। तो इतना तो पॉसिबल नहीं है कि ऑलरेडी मैं 5 कंपैरिजन कर चुका हूं और उसके बाद मैं 21 यानी कि 21 और कंपैरिजन करो, नॉट पॉसिबल ना, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और जैसा मैंने आपको कहा हम 4-5 लाइनों में इसको वाइंड अप करने वाले हैं, तो ये तो कन्वीनियंट तरीका होने से रहा। मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, मैं एक स्पेसिफिक कंडीशन बना सकता हूं, ठीक है। मैंने कहा एलिफ यानी कि एल्स इफ, मैंने कहा एक और कंडीशन बनेगी, अगर वॉवल नहीं है, अगर वॉवल है तो ये वाली लाइन चलेगी, नहीं तो अगर नेक्स्ट कंडीशन हमारा चल जाता है तो ये वाला लाइन चला, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, मैंने उसको कहा इफ सी एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। अब इसको भी आपको सिंगल कोट में रखना पड़ेगा, मैं आपको समझाता हूं ये क्या चीज है। और यहां पे मैं लगा रहा हूं एंड, इस बार मैं और का यूज नहीं कर रहा, अगर आपके केस में ये नहीं चलता तो आप और यूज कर लेना, ठीक है। लेकिन जो प्रॉपर लॉजिक है वो हमारा एंड के साथ होता है, एंड सी एच लेस देन इक्वल्स टू सिंगल कोट के अंदर आएगा जेड। अगर आप यहां पे स्पेस नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं है, ये चलेगा फिर भी। अब मैं कहता हूं अगर इसमें से कुछ है तो प्रिंट करे कॉन्सोनेंट, ठीक, यहां पे आ जाएगा आपका कोलन। अब अगर मैं आपको रन करके दिखाऊं ना तो करंटली भी आपको कॉन्सोनेंट बोलेगा, लेकिन हम उसको इग्नोर मारते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए अगर ए ई आई ओ यू में से कुछ भी आ जाता है, मैंने एक्चुअली ये 5 कैरेक्टर पहले ही निकाल लिए, कंप्यूटर को बाय डिफॉल्ट नहीं मालूम वॉवल क्या होते हैं, लेकिन उसे ये मालूम है अल्फाबेट्स क्या होते हैं, हमारे एबीसीडी के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, उसे मालूम है स्पेशल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उसे नंबर्स मालूम है, वॉवल्स उसे नहीं मालूम क्योंकि वो अल्फाबेट का एक पार्ट हो जाता है।
अगर उसे पता भी है तो प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो आइडेंटिफाई कर सके, दैट्स व्हाई हमें कंपैरिजन मैन्युअली करना पड़ा, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट उसे पता है लेकिन नॉट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सोनेंट, उसे अल्फाबेट के फॉर्म में उसे मालूम है, ठीक है। तो मैंने पांच कैरेक्टर्स को पहले बाहर निकाल लिया और उसके बाद मैंने यहां पे क्या कहा, अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख लेना, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहां पे कंपैरिजन बनाए, मैंने क्या किया, इफ अगर जो मेरा कैरेक्टर जो इनपुट हो रहा है वो ग्रेटर या इक्वल है ए के, अगर वो ए है या ए से बड़ा है, साथ ही साथ वो क्या होना चाहिए, इसके बीच में मैंने कंडीशन रेंज स्पेसिफाई की है, अगर जो कैरेक्टर है वो छोटा है या फिर बराबर है जेड के, तो क्या करे स्क्रीन के ऊपर, प्रिंट करे इट्स अ कॉन्सोनेंट। अब ग्रेटर एंड इक्वल का क्या मतलब है, कंप्यूटर को मालूम है कि ए से बड़ा क्या होगा, ए वन नहीं होने वाला, ए में एक प्लस करेंगे तो वो बी आएगा लॉजिक के हिसाब से, ठीक है। एक और ऐड करेगा तो सी तक जाएगा, ऐसे करते करते वो जेड तक जाएगा, वाई तक जाएगा, और जेड तक आने के बाद लेस देन पे वो वाई तक रहेगा और जेड पे इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वो कंपैरिजन कर लेगा, उसको मैंने 26 की रेंज स्पेसिफाई कर दी, ए से लेके जेड तक जाना है, इनमें से कोई भी आता है तो कॉन्सोनेंट है। अगर आप इस लाइन को पहले लिख दोगे इफ कंडीशन के अंदर जैसे मैंने वॉवल किया है, तो प्रोग्राम 99% लोगों का गलत आंसर रिटर्न करेगा, फिर आप ए टाइप करें, ई टाइप करें, जो मर्जी करें, एक्चुअली वो आपको कॉन्सोनेंट बता देगा, क्योंकि आपने कॉन्सोनेंट का लॉजिक पहले बता दिया और वो ए से लेके जेड के रेंज के अंदर आ गया, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल भी ना करें, वॉवल की कंडीशन को पहले ही आप निकाल ले, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर ए आ गया तो हमने बी से कंपैरिजन क्यों नहीं किया, बी से अगर आप करोगे तो हो सकता है प्रोग्राम ना चले, एरर दे दे। दैट्स व्हाई मैंने वॉवल को पहले ही अलग कर लिया कि अगर इसमें से कोई है तो वॉवल है, और अगर इनमें से कोई है लेकिन इसको माइनस करने के बाद तब ही कॉन्सोनेंट प्रिंट करना है, ठीक है। अब अगर मैं इसको सेव करूं, मेरे प्रोग्राम को मैं कर रहा हूं सिंपली रन, मैंने प्रोवाइड किया स्मॉल ए कहता वॉवल है, मैंने प्रोवाइड किया कैपिटल यू कहता वॉवल है, मैंने प्रोवाइड किया जेड कहता कॉन्सोनेंट है, और मैंने प्रोवाइड किया कैपिटल पी तो कहता कॉन्सोनेंट है। अब अगर मैं इसको प्रोवाइड करता हूं वन तो कुछ भी नहीं है, रीजन इज ना तो मैंने कोई एल्स पार्ट लगाया है और ना मैंने कोई कंपैरिजन यहां पे करके देखा है, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे कि अगर यूजर नंबर प्रोवाइड करेगा तो क्या करना है, अब नंबर में क्या कंडीशन बनाने बैठोगे आप, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक तो मैं कंडीशन नहीं बना सकता ना, कि अगर कैरेक्टर वन है टू है थ्री है, पॉसिबल नहीं है, नंबर्स इनफाइनाइट है। लेकिन आज तक अगर आपने नोटिस किया हो तो पूरे जिंदगी में आपने सिर्फ 10 नंबर्स को यूज किया है, वो है जीरो से लेके नाइन, जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, डेट्स वाई हमारे 10 कैरेक्टर्स पूरे हो रहे हैं, अगर आप वन से करोगे तो नाइन होता है। जितने भी बाकी नंबर्स बनते हैं वो इन डिजिट्स के, हम बेसिकली क्या करते हैं उसको सही से अरेंज करके बाकी नंबर्स को बनाते हैं। अगर आपको 10 बनाना है तो वो वन और जीरो का कंपेरिजन है, वन और जीरो को सही से अरेंज करके हमने बनाया है, कॉम्बिनेशन है उसका, ठीक है। तो अगर मुझे इसका लॉजिक बनाना है तो मैंने यहां पर लिखा एल इफ, यानी कि अगर ऊपर वाला लॉजिक नहीं चलता है तो एक और लॉजिक चेक कर, क्या है वो लॉजिक, इफ अगर सी एच बड़ा है या इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एट द सेम टाइम, मतलब वो इसी रेंज के अंदर का होना चाहिए, इन दोनों में से किसी एक की बात नहीं हो रही है, इसी में से होना चाहिए, सी एच लेस देन इक्वल्स टू नाइन, ठीक है, जीरो से जीरो या जीरो से ऊपर हो और नाइन या नाइन से अगर छोटा है तो क्या करे। अब मैंने कहा तो क्या करे, स्क्रीन के ऊपर सिंपली प्रिंट करे, क्या प्रिंट करे, इट्स अ नंबर या फिर डिजिट, तो मैं यहां पे नंबर लिख रहा हूं। अब अगर मैं अपने फाइल को रन करता हूं, मैंने कहा ए तो कहता वॉवल, मैंने कहा जेड तो कहता कॉन्सोनेंट, मैंने कहा वन तो कहता नॉट सपोर्टेड, स्ट्रिंग और इंटीजर को कंपैरिजन नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है। अब ये क्या एरर आ गया, बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बता रखा है कि पाइथन जो होता है वो यूजर से जो इनपुट लेता है वो एक्चुअली स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, तो अगर मैंने यहां पे यूजर को 1 2 3 4 इनपुट दिया तो वो नंबर्स वाले 1 2 3 4 को इनपुट नहीं कर रहा, वो एक्चुअली स्ट्रिंग के 1 2 3 4 को इनपुट कर रहा है, यानी कि 1 2 3 4 को नंबर ना कंसिडर करके वो स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है, मतलब ABCD या स्ट्रिंग का एक पार्ट मान के चल रहा है। अब किसी स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग वाले वन को न्यूमेरिक वन से तो कंपेयर नहीं किया जा सकता ना, लेकिन यहां पे तो ये न्यूमेरिक है। अब
अगर मैं इसको इंटीजियर में कन्वर्ट कर दूं तो एक्चुअली मेरा पूरा प्रोग्राम गलत हो जाएगा। फिर अगर मेरा इनपुट ही इंटीजियर हो गया तो फिर मैं वॉवल्स को कैसे कंसिडर करूंगा, ये तो फिर स्ट्रिंग है ना, कैरेक्टर है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन मैं बहुत सिंपल तरीके से जा रहा हूँ कि जो मैं कंपैरिजन में नंबर्स बोल रहा हूँ ना, मैं इसको भी स्ट्रिंग में कंसिडर कर लेता हूँ कि चलो इसको स्ट्रिंग में ही रखे, स्ट्रिंग में इनपुट ले 0 1 2 3 4 और स्ट्रिंग में ही कंपेयर करे, भले ये स्ट्रिंग वाला है लेकिन हम उसको नंबर ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसको सेव करूं और अगर मैं मेरे प्रोग्राम को रन करूं और मैंने कहा 1, तो कहता इट्स अ नंबर, कि ये तो एक नंबर है। आप हर बार जब कोई लॉजिक बनाए तो सारे कंडीशन को चेक करें, कई बार होता है ऐसा कि आपने किसी एक लॉजिक को बनाया, उसके कारण बाकी लॉजिक्स बिगड़ जाते हैं, सही से काम नहीं करते किसी रीजन के कारण, ठीक है। तो कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो फिर 0 से लेके 9 तक कोई कंसिडर करेगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे नंबर दे दूँ 100 तो भी ये काम करेगा और बोलेगा नंबर है। क्यों? क्योंकि 100 क्या है, 1 और 2 0 का कॉम्बिनेशन है, वो इसी रेंज के अंदर आता है, ठीक है। अब एक लास्ट कंडीशन हमें स्पेसिफाई करनी है, वो है एलिफ, या फिर डायरेक्ट हम उसको डाल देंगे एल्स, कि इनको छोड़ करके अगर कुछ भी इनपुट करता है यूजर तो क्या प्रिंट करे, इट्स अ स्पेशल कैरेक्टर, कि ये तो एक स्पेशल कैरेक्टर है। अब वो क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, उससे पहले मैं एक बार प्रोग्राम को रन कर ले। मैंने स्मॉल कैरेक्टर दिया, कहता वोवल है, मैंने कैपिटल आई प्रोवाइड किया, कहता वोवल है, मैंने कैपिटल बी प्रोवाइड किया, कहता कॉन्सोनेंट है, स्मॉल बी प्रोवाइड किया, कहता कॉन्सोनेंट है, मैंने 1 प्रोवाइड किया, कहता नंबर है, और मैंने अगर इसको 66 प्रोवाइड किया तो कहता है यहाँ पे नंबर है। अगर मैं इसको स्टार प्रोवाइड कर रहा हूं या फिर एंड प्रोवाइड कर रहा हूं, कहता है स्पेशल कैरेक्टर है। अब ध्यान यहां पे आपको ये देना है कि स्पेशल कैरेक्टर को ही आपको एल्स में रखना है, ठीक है, बाकियों को आप ना रखें, किसी को भी। हम जनरली एल्स में वो रखते हैं जो हमें नहीं पता बड़े प्रोग्राम के अंदर कि कितना बड़ा इसका रेंज है। स्पेशल कैरेक्टर अनलिमिटेड, अगर मैं आपको सच बताऊं तो, अगर इसको हम काउंट भी कर सकते हैं तो बहुत ज्यादा है। इंग्लिश के हिसाब से अगर हम बात करें अपने कीबोर्ड में, कई कीबोर्ड ऐसे होते हैं जिसमें 102 बटन होते हैं, 102, कई में 104 होते हैं, 106 होते हैं, 108 होते हैं, और भी होते होंगे। तो हर एक कीबोर्ड के अकॉर्डिंग तो स्पेशल कैरेक्टर बहुत सारे मिल जाएंगे। ये आपको कहां पे मिलेंगे, जो आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में ऊपर 1 2 3 4 होता है ना, अगर आप उसको शिफ्ट के साथ दबाओगे तो @1 2 3 4 के साथ जो हमारे पास नंबर्स होते हैं, स्टार हो एंड हो, ये स्पेशल कैरेक्टर कहलाते हैं। तो ये कीबोर्ड टू कीबोर्ड एक्स्ट्रा हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। तो मैं अपने कीबोर्ड के अकॉर्डिंग चल सकता हूँ, बट नॉट बाकियों के अकॉर्डिंग, और मैं एक्चुअली इंग्लिश के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ। तो अगर कोई यहाँ पे किसी और लैंग्वेज में, लेट अस से चाइनीज में कुछ टाइप कर दे या हिंदी में कुछ टाइप कर दे, तो वो भी क्या कहलाएगा, स्पेशल कहलाएगा। तो मुझे नहीं पता वो कितने होने वाले हैं। दैट्स वाई मैंने क्या किया, जितने कंडीशंस को मैं चेक कर सकता था उतनों को मैंने किया, और बाकियों को मैंने एल्स में डाल दिया कि भैया ये तो सीधे सीधे स्पेशल कैरेक्टर कहलाता है। बड़ा ही सिंपल था, एक आपका ये कंडीशन है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, और एक ये चार लाइन, ये तो एल्स में आ गया ना। तो बहुत ही इजी वे में मैंने आपको सिंपलीफाई करके समझाया है, और मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और समझ में आ चुका है तो लाइक कमेंट जरूर करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।